लालची रसोई से मैं रेनू अपने फूड लवर्स का स्वागत करती हूँ। आज का मेन्यू है गोभी चिली। ये चिली बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हुए हैं। अभी ठंड का मौसम है, गोभी बहुत अच्छे आते हैं। इसके लिए मैं गोभी को थोड़े से गर्म पानी में नमक डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि अगर गोभी में छोटे कीड़े वगैरह हो तो निकल जाएंगे। अब मैं गोभी ले लूंगी, उसमें मैं 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और ठीक उतना ही मैदा मिलाऊंगी। इसमें अब लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच सोया सॉस, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि गोभी बहुत ही ड्राई है। और इसे मैरिनेट करके 1/2 घंटा के लिए छोड़ दें। 1/2 घंटे बाद कढ़ाई में तेल डाल के गर्म करें। हम गोभी को क्रिस्पी फ्राई करेंगे। अब तेल में लहसुन डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, यहाँ पर मैंने डाइस किए हुए 2 प्याज डाले हैं, आप चाहें तो हरे प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज को हल्का भूने, प्याज को ओवर कुक नहीं करना है। अब कटे हुए अदरक डालकर थोड़ा भूनेंगे। यहाँ पर प्याज के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 tablespoon सोया सॉस, 2 फ्राई गोभी डालकर मिलाएंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिलाकर 8 से 10 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे। और सबको अच्छी तरह मिलाएंगे। इस तरह हमारी क्रिस्पी गोभी चिली रेडी है। आप इसे स्टार्टर के रूप में जरूर ट्राई करें। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।